रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रूस के प्राइवेट मिलिशिया वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया है और यूक्रेन से जंग में रूस का साथ देने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन से अपने 25,000 लड़ाकों को लेकर रूस पहुंच चुका है। वैगनर लड़ाकों ने रूस के रोस्तोव ऑन डॉन में रूसी सेना के दक्षिणी हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा किया है। रोस्तोव में प्रिगोजिन ने रूस के उपरक्षा मंत्री एवकुरोव और खुफिया एजेंसी जीआरयू के डिप्टी एलेक्सिव से मुलाकात और बातचीत की। प्रिगोजिन ने कहा कि उसकी सेना दक्षिणी सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और मरने के लिए तैयार है। टेलीग्राम पर एक ऑडियो जारी कर वैगनर समूह के चीफ ने कहा कि वो और उनके लोग उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देंगे। प्रिगोजिन ने मॉस्को को सजा देने और बदला लेने के लिए हर हद तक जाने की कसम खाई है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने यूक्रेन के बखमुत में वैगनर समूह के ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे, जिसके बाद ही वैगनर समूह ने बगावत का ऐलान कर दिया। वैगनर समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव को हटाने की मांग की है। प्रिगोजिन ने एक ऑडियो जारी कर कहा है कि इन दोनों लोगों के कारण ही यूक्रेन में रूसी सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा है। Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо как баба для того, чтобы не объясняться. Зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней? Зачем наносил ракетные удары? Эта тварь будет остановлена. Вагнер самому не сказал, что это сенье тахта парат не, балки няй камарче. Во-первых, мы не говорим о смене власти в России. Смена власти в России, хотим мы этого или не хотим, она в любом случае состоится все равно. И, скорее всего, силовым путем. И не обязательно мы будем участниками этого процесса. То есть мы бы хотели, но не обязательно. То есть это не обязательное условие. Прегожин не сказал, что свои манг пури होने के बाद उनके लड़ाके मात्र भूमि की रक्षा की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो संगठन यूक्रेन से युद्ध में रूस की तरफ से फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाले हुए थे, वो बगावत पर क्यों उतारू हुए। इस संबंध में कई मीडिया रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र है, जिसके मुताबिक वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर हमले के बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए। जो हमला यूक्रेन के बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल से किया गया था, इस हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी ठहराया गया। वैगनर ने बार बार शिकायत की कि रूसी सेना वैगनर को बखमुत पर कब्जे के लिए जरूरी गोला बारूद उपलब्ध कराने में नाकाम रही। चूंकि हमले में वैगनर ग्रुप के दर्जनों लड़ाके मारे गए थे, इसीलिए हमले से वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन नाराज हो गए। साथ ही उसने यूक्रेन से अपने लड़ाकों को बाहर निकालने की धमकी भी दी। बताया गया कि उन्होंने तभी रूस को दंड देने और बदला लेने की कसम खा ली। हालांकि इसी साल जनवरी में प्रिगोजिन ने दोनेत्स्क क्षेत्र के नवक्सोलिडर शहर पर कब्जे का भी श्रेय लिया और रूसी रक्षा मंत्रालय पर वैगनर को जो श्रेय मिलना चाहिए था उसे नहीं दिया जाने का आरोप लगाया। यूक्रेन से जंग के दौरान बढ़ी इन्हीं तल्खियों को वैगनर ग्रुप के विद्रोह की वजह माना जा रहा है। प्राइवेट आर्मी वैगनर की बगावत के बाद रूसी सेना ने सभी राज्यों और बड़े शहरों में सुरक्षा को बढ़ा दिया है। मॉस्को में आतंक विरोधी नियम लागू कर दिए गए हैं। चूंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रोस्तोव पहुंच चुके हैं, इसलिए रूसी सेना ने अपने टैंक शहर में उतार दिए हैं। रोस्तोव की कई सड़कों पर रूसी सेना के टैंक देखे गए। रोस्तोव में रूसी अधिकारियों ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। इसके साथ ही मॉस्को में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। राजधानी की सभी महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। रूस की संसद ड्यूमा की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मॉस्को में सड़कों पर टैंकों से निगरानी की जा रही है। वैगनर ग्रुप के खतरे को देखते हुए मॉस्को के चप्पे चप्पे पर अब रूसी सेना निगरानी कर रही है।
मॉस्को को दक्षिणी क्षेत्रों से जोड़ने वाला M4 हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। रूसी सेना ने वैगनर समूह के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन के सारे आरोपों को नकार दिया और उसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। इसके साथ ही रूसी जांच एजेंसी FSB ने यवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया है। FSB ने वैगनर लड़ाकों से प्रिगोजिन के आदेशों को न मानने और उसे हिरासत में लेने को कहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर लड़ाकों से प्रिगोजिन का साथ छोड़ने की अपील की है। रूस के सरकारी टीवी RU24 पर रक्षा मंत्रालय का बयान जारी कर कहा गया कि प्रिगोजिन के आरोपों में कोई आधार नहीं है। प्रिगोजिन की धमकी के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। प्रिगोजिन अगर पकड़ा जाता है तो उसे देशद्रोह के आरोप में 20 साल जेल की सजा हो सकती है। वहीं अगर वो अपने इरादों में सफल होता है तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताकत कमजोर पड़ सकती है। हालांकि प्रिगोजिन ने साफ किया है कि वो रूस में तख्ता पलट नहीं चाहता है। कुछ दिनों पहले तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दायां हाथ माना जाने वाला वैगनर ग्रुप अचानक बगावत पर आमादा हो गया है। इसके बाद वैगनर ग्रुप पहले से भी ज्यादा चर्चा में आ गया। वैगनर ग्रुप को आधिकारिक तौर पर PMC वैगनर कहा जाता है। ये पहला पॉइंट है वैगनर के बारे में आपको जानना चाहिए। वैगनर ग्रुप को आधिकारिक तौर पर PMC वैगनर कहा जाता है, जो एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जिस पर देश का कोई भी कानून लागू नहीं होता, जिसकी वजह से इसका एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क होना है। वैगनर ग्रुप की पहचान पहली बार साल 2014 में पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के दौरान की गई थी। उस समय यह एक सीक्रेट संगठन था जो ज्यादातर अफ्रीका और मध्य पूर्व में ही काम कर रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ने के बाद यह संगठन यूक्रेन अभियान का एक अहम हिस्सा बन गया। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर रूस के कब्जे में भी वैगनर ग्रुप को ही इसका श्रेय दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समूह में रूस की विशिष्ट रेजिमेंट्स और विशेष बलों के करीब 5,000 लड़ाके हैं। जनवरी में यूके के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैगनर ग्रुप में यूक्रेन से जंग के दौरान 50,000 लड़ाके शामिल किए गए। प्रिगोजिन की अगुवाई वाले वैगनर का नाम उसके पहले कमांडर दिमित्री उत्किन के नाम पर पड़ा है, जो रूस की सेना के विशेष बल के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वैगनर उनका निकनेम था। जल्द ही वैगनर ने क्रूर और बेरहम संगठन के तौर पर अपनी इमेज बना ली। वैगनर ग्रुप की बगावत के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सैन्य विद्रोह को विश्वासघात बताया और रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वैगनर ग्रुप की बगावत को कुचल देंगे। राष्ट्र को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही और गद्दार है। Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. पुतिन ने कहा कि अभी हम जो देख रहे हैं वो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है और उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जिन लोगों ने सशस्त्र विद्रोह की साजिश रची, जिन्होंने अपने साथियों के खिलाफ हथियार उठाए और जिसने भी रूस को धोखा दिया, उसे इसका जवाब देना होगा। Повторю, любая внутренняя смута смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Путин ने कहा कि निजी हितों के कारण देश के साथ विश्वासघात हुआ है। वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि पश्चिम की पूरी सैन्य, आर्थिक और सूचना मशीनरी हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रही है। और पुतिन के मुताबिक इसलिए रूस अपने भविष्य के लिए सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई के खिलाफ भाई को खड़ा किया जा रहा है। Вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей. За наш суверенитет и независимость, за право
быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. पुतिन ने कहा कि वो देश और नागरिकों की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने रूसी जनता से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। Смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие. वैगनर के हर कदम की जानकारी पुतिन को पल-पल दी जा रही है। वो लगातार रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड के अधिकारियों के संपर्क में हैं। तो यूक्रेन युद्ध में अपने किराए के लड़ाकों से तबाही मचा रहे येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के ही खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया तो हर कोई हैरान रह गया। वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन के बागी रुख ने राष्ट्रपति पुतिन को नाराज कर दिया है। कभी प्रिगोजिन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास लोगों में माना जाता था। प्रिगोजिन पुतिन की होम सिटी सेंट पीटर्सबर्ग के ही रहने वाले। प्रिगोजिन को 1979 में पहली बार 18 साल की उम्र में 2.5 साल कैद की निलंबित सजा मिली थी। 2 साल बाद उन्हें डकैती के मामले में 13 साल की सजा हुई, जिसमें वो 9 साल तक जेल में रहे। रिहाई के बाद प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्नैक्स बेचने के स्टॉल्स की चेन शुरू की, जिसमें उन्हें काफी लाभ हुआ और 90 के दशक में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में महंगे रेस्टोरेंट खोल लिए। प्रिगोजिन का नेवा नदी में चलने वाला बोट रेस्टोरेंट न्यू आइलैंड पुतिन को बहुत ही पसंद था। राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन उस रेस्टोरेंट में अपने विदेशी मेहमानों को लाने लगे, जहां प्रिगोजिन से उनकी मुलाकात हुई। पुतिन प्रिगोजिन पर इतना यकीन करते थे कि साल 2003 में अपना जन्मदिन न्यू आइलैंड बोट रेस्टोरेंट पर ही उन्होंने मनाया था। पुतिन ने प्रिगोजिन की कैटरिंग कंपनी कॉनकॉर्ड को रूस की सत्ता के केंद्र क्रेमलिन में फूड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके बाद प्रिगोजिन को पुतिन का शेफ ये निकनेम मिल गया और पुतिन के मौजूद होने पर प्रिगोजिन खुद ही उनका खाना सर्व करता था। बाद में प्रिगोजिन की कंपनी ने सेना और सरकारी स्कूलों के भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए। पुतिन की शेफ पर ही प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाली, जो अब पुतिन के लिए ही एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। रोस्तोव में वैगनर ग्रुप का आधिकारिक हेडक्वार्टर है। यहां दक्षिणी क्षेत्र के लिए रूसी सेना का मुख्यालय भी है, जो यूक्रेन में लड़ाई की कमान संभाले हुए है। इसलिए पुतिन के खिलाफ बगावत में प्राइवेट आर्मी वैगनर ने सबसे पहले रोस्तोव शहर पर कब्जा किया। वैगनर के लड़ाके अब रोस्तोव शहर के चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं। वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव में गृह मंत्रालय की इमारत और पुलिस मुख्यालय पर भी कब्जे का दावा किया है। इतना ही नहीं, विद्रोहियों ने एक हवाई अड्डे पर भी कब्जे का दावा किया। इस बीच वैगनर ग्रुप ने पुतिन की चेतावनी का भी जवाब दिया। वैगनर समूह से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही धमकी दे दी है। चैनल के हवाले से लिखा गया है कि पुतिन ने गलत विकल्प चुना है, उनके लिए बहुत बुरा होगा। वैगनर समूह ने कहा कि जल्द ही रूस को नया राष्ट्रपति मिलेगा। रोस्तोव शहर पर कब्जे के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को से करीब 500 किलोमीटर दक्षिण में वोरोनिश पर नियंत्रण के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन तब तक रूसी सेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी। वोरोनिश इलाके में रूस के फाइटर जेट्स उड़ान भरते दिखे। वोरोनिश इलाके में घुसपैठ से रोकने के लिए रूसी सैनिकों ने जमीन पर भी एक्शन शुरू कर दिया। वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच संघर्ष के बीच वोरोनिश में गोलीबारी की आवाज गूंज उठी। लड़ाई के बीच वैगनर ग्रुप ने 3 रूसी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने कथित तौर पर वोरोनिश क्षेत्र में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। वैगनर ग्रुप ने रूस के AN-26 लड़ाकू विमान को भी मार गिराने का दावा किया है। घटना के बाद वोरोनिश में अधिकारियों ने निवासियों को हाईवे से दूर रहने की चेतावनी जारी की, क्योंकि इसी हाईवे से वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद वैगनर ग्रुप के खिलाफ रूसी सेना ने जबरदस्त एक्शन शुरू कर दिया। हालांकि इसके बावजूद वैगनर लड़ाकों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है। लिहाजा रूसी सेना ने वैगनर लड़ाकों के खिलाफ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। चुन चुनकर वैगनर लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है।
वोरोनिश क्षेत्र में भी M4 हाईवे पर वैगनर के काफिले पर एयर स्ट्राइक की गई। माना जा रहा है कि इस हमले में इस प्राइवेट आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप के ऑफिस पर सेना ने रेड की और उसे सील कर दिया। उधर वैगनर लड़ाकों ने भी मॉस्को के एक डिपो पर हमला किया, जिसके बाद डिपो में आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया। जबकि रोस्तोव ऑन डॉन में रूसी सेना के हेडक्वार्टर के पास धमाका सुनाई दिया। इस धमाके के बाद लोग इधर उधर भागते दिखे। रूस के हालात पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैगनर ग्रुप की बगावत और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कदमों की जानकारी अधिकारियों से ली। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि व्हाइट हाउस रूस और वैगनर ग्रुप की निगरानी कर रहा है। आगे चलकर जिस तरह के हालात बनेंगे उस पर सहयोगी देशों से चर्चा की जाएगी। We are able to monitor some radiation sensors that are around the plant, and thus far we've detected no elevated levels of radioactivity. वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी रूस की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं, जबकि ब्रिटेन की ओर से अपने नागरिकों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें पूरे रूस में अशांति बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। वहीं यूक्रेनी सेना ने कहा कि रूसी गुटों ने सत्ता और पैसों के लालच में एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया है। जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि जो कोई बुराई का रास्ता चुनता है वो खुद खत्म होता है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि मॉस्को में अराजकता फैल गई है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के हालात और वैगनर ग्रुप की बगावत पर बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बात की है। यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो संगठन यूक्रेन से युद्ध में रूस की तरफ से फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाले हुए थे वो बगावत पर क्यों उतारू हुआ। इस संबंध में कई मीडिया रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर हमले के बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए। जो हमला यूक्रेन के बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल से किया गया था, इस हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी ठहराया गया। वैगनर ने बार बार शिकायत की कि रूसी सेना वैगनर को बखमुत पर कब्जे के लिए जरूरी गोला बारूद उपलब्ध कराने में नाकाम रही। चूंकि हमले में वैगनर ग्रुप के दर्जनों लड़ाके मारे गए थे, इसलिए हमले से वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन नाराज हो गए। साथ ही उसने यूक्रेन से अपने लड़ाकों को बाहर निकालने की धमकी भी दी। बताया गया कि उन्होंने तभी रूस को दंड देने और बदला लेने की कसम खा ली। हालांकि इसी साल जनवरी में प्रिगोजिन ने दोनेत्स्क क्षेत्र के नमक सोलेडर शहर पर कब्जे का भी श्रेय लिया और रूसी रक्षा मंत्रालय पर वैगनर को जो श्रेय मिलना चाहिए था उसे नहीं दिए जाने का आरोप भी लगाया। यूक्रेन से जंग के दौरान बढ़ी इन्हीं तल्खियों को वैगनर ग्रुप के विद्रोह की वजह माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक के पास ये किसी सार्वजनिक स्थल पर बना पहला स्मारक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। LOC के पास संदिग्ध हरकत देखने के बाद सुरक्षा बलों ने ओपन फायरिंग की, जिसके चलते आतंकी पीछे हटने को मजबूर हो गए। हालातों को देखते हुए सेना ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पटना में सारे विपक्षी इकट्ठा हुए और वहां भी विपक्षी एकता नहीं बल्कि मुख्य मुद्दा राहुल गांधी की शादी रहा। विपक्ष की एकता का निष्कर्ष क्या है? मैंने तो एक ही सुना कि लालू यादव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही कि तुम शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत और गंदे पानी की समस्या को लेकर BJP कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय का घेराव किया। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए BJP ने जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली के ब्रिजपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया गया कि वहां पर एक मामूली विवाद में दो लड़कों के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें एक लड़के की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ब्रिजपुरी इलाके में रात करीब 9:30 बजे राहुल और सोनू नाम के लड़कों का किसी बात पर मोहम्मद जैद नाम के लड़के से कहा सुनी हुई और इसी दौरान मोहम्मद जैद ने राहुल और सोनू पर चाकू से हमला कर दिया। लड़का कुछ भी खा रहा था, जो नशे में था, उसने मेरे राहुल को चाकू मारा है और एक साले का लड़का उसको चाकू मारा है। घर वालों के मुताबिक राहुल घर से आइसक्रीम खाने निकला था,
और इसके बाद उन्हें उस पर हुए हमले की जानकारी मिली। 9:30 बजे खाना खा के गया था यहाँ से, उसके बाद 5-10 मिनट बाद मुझे पता चला है कि उसके चाकू मार दिया है। मैं यहाँ से भाग भाग के गई हूँ, तब देखा है कि उसके चोट लगी हुई है। घर वालों ने बताया कि राहुल और सोनू दोनों चचेरे भाई हैं और उनका मोहम्मद जैद से पहले कोई विवाद नहीं था और ना ही किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। ऐसे में इस हमले के पीछे की वजह क्या थी उन्हें भी मालूम नहीं, लेकिन इस हमले में राहुल बुरी तरह से जख्मी हुआ। बताया जा रहा है कि इस हमले में उसके पेट पर गहरा जख्म हुआ है जिससे उसकी हालत गंभीर है। वहीं बीच बचाव करते समय घायल हुए सोनू की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मुझे क्या है मान नहीं, कोई कारण रहा होगा, पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं आपसे इनकी कोई रंजिश हो, दुश्मनी हो, कोई झगड़ा पहले हुआ हो। बताया गया कि हमले के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी मोहम्मद जैद को पकड़ लिया था, लेकिन इसी दौरान बड़ी तादाद में वहां मोहम्मद जैद की पहचान वाले लोग पहुंच गए और उसे छुड़ा कर ले गए। वहां से उठाकर बस गली पीछे वाली 4 नंबर गली की है ना जी, मोहम्मद लड़के वो उठा के सारे जने उठा के उसे ले गए, उसे बंद कर दिया, उसे भगा दिया। आरोप है कि मोहम्मद जैद को छुड़ाने आए 50 से 60 लोगों के पास हथियार भी थे, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और हथियारों के दम पर आरोपी मोहम्मद जैद को उसके जानने वाले लोग छुड़ा कर ले गए, जिसके बाद से वो फरार है। जिस पर इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहां बसे हिंदुओं में डर और दहशत का माहौल है। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन एक भीड़ आई और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी को छुड़ा के ले गई है। यही आरोप यहाँ के लोग भी लगा रहे हैं कि अक्सर इस तरीके की चाकूबाजी की घटनाएं यहाँ होती है, लोगों के अंदर खौफ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इसी इलाके में साल 2020 में बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए थे जिसमें करीब 69 लोगों की जान गई थी। ये जो इलाका है दरअसल नॉर्थ ईस्ट के जो दंगे हुए थे उसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रसित था ये इलाका, और उसके बाद अब पुलिस ने जो है आरोपी की तलाश तेज कर दी है। हत्या की कोशिश यानी धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वहां अब हालात ऐसे हैं कि कई हिंदू परिवार इसी डर की वजह से पलायन भी कर चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाया और आरोपी की तलाश के साथ ही पूरे इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया और वहां फैले तनाव को कम करने की कोशिश की गई। इस दौरान अर्धसैनिक बल के जवान वहां पूरे इलाके में गश्त करते हुए भी नजर आए। आरोपी मोहम्मद जैद है और जो घायल है वो राहुल है, तो उसको देखते हुए किसी तरीके का माहौल खराब ना हो इसको देखते हुए जो है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस पूरे इलाके में गश्त कर रही है। वहीं पुलिस ने दावा किया कि ये दो लड़कों के बीच हुई लड़ाई थी जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल उस तरह से नहीं है, ये सारे लड़के जानते हैं एक दूसरे को, अक्सर गली में एक दूसरे को मिलते हैं ये लोग, और जरा सी बात पे इंसिडेंट हो गया। ये शाम के टाइम लड़के थोड़े से इस तरह के हमारे यहाँ झगड़े वगड़े होते रहते हैं और इसको हम लोग जल्दी से निपट लेंगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता कल देश भर में इमरजेंसी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के 48 साल पूरे होने पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कल पूरे देश में आपातकाल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी। बीजेपी के सांसद, विधायक और तमाम पदाधिकारी इस डॉक्यूमेंट्री को अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों के साथ देखेंगे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का रवैया तानाशाह जैसा है और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ इस बार 60 से ज्यादा डॉग स्क्वाड की टीमों को तैनात किया गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा आएंगे। इस दौरान सीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम की सुरक्षा में 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र पहुंच गए हैं। काहिरा पहुंचने पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबॉली ने प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया और एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, विशेष रूप से छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा थामे हुए पहुंचे थे।
और ये तस्वीरें आपके सामने। मिस्र में रहने वाले भारत वंशियों ने दोस्ती वाले गाने गाकर दोनों देशों के गहराते रिश्ते पर खुशी जताई। अब जरा देखिए ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ भारत वंशियों से मुलाकात करते हुए छोटे छोटे बच्चे जो गुनगुना रहे थे, प्रधानमंत्री उनके साथ मौजूद थे, उनके हाथ में जो तिरंगा था प्रधानमंत्री ने हाथ थामकर वो तिरंगा लहराया, और उससे पहले वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए स्वागत किया गया है वो तो मिस्र के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया है, लेकिन अपनी इस 3 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि भारत की दुनिया में कितनी अहमियत है। नमस्ते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में राजकीय दौरे का ये आखिरी दिन बेहद शानदार रहा। वॉशिंगटन में जनगण मन हो रहा था, वहीं रोनाल्ड रीगन सेंटर में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में ये मिनी हिंदुस्तान का नजारा था। प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचते ही पूरा हॉल गूंजने लग गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल की बात कही। आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनी इंडिया का जिक्र किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। होने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीयों को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने भारत और अमेरिका के गहरे होते रिश्तों को भी दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि विश्वगुरु भारत के बिना दुनिया अधूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया चैप्टर शुरू हो गया है। साथियों, इन 3 दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों के बीच थे। वॉशिंगटन की धरती से हिंदुस्तान की बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे अमेरिका के साथ मिलकर मेक इन इंडिया वाले फॉर्मूले का विस्तार हो रहा है। नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से अपने 3 दिवसीय दौरे के शानदार पलों की सुनहरी यादों को भी साझा किया। वहीं अमेरिका के साथ हुई डील की भी जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की ताकत का भी बखान किया। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला, भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे आज अमेरिका की सुपरमार्केट में भारतीय सामान बिक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में सुपरहिट फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू का जिक्र करना भी नहीं भूले, जिसने इस साल ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मान को भी अपने नाम किया है। आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा और दोनों देश एक मजबूत दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को H-1B वीजा को लेकर बड़ी खुशखबरी भी दी, जिसे सुनकर भारतीय समुदाय के लोग खुशी से झूम उठे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि H-1B वीजा अब अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आखिरी संबोधन रहा। भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी आगे आए और फिर हाथ जोड़कर भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन किया। रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले भारत का राष्ट्रगान गाया गया। इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान गाया, लेकिन इसी दौरान यहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और राष्ट्रगान गाने के बाद सिंगर मैरी मिलबेन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ी और उनके पैर छू लिए। ये देखकर रोनाल्ड रीगन सेंटर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सिंगर मैरी मिलबेन ने कहा कि मैं यहां आकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। Honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week. To have been with him in New York, and certainly to honor him tonight singing the Indian national anthem. I loved hearing the crowd sing the anthem. You could hear the passion. सिंगर मैरी मिलबेन ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनका यहां होना उनके लिए सच्चा सम्मान है। भारतीय समुदाय को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी दुनिया का भाग्य बदल सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी साझेदारी बेहतर भविष्य के लिए है। जिस तरह बायपार्टिजन सपोर्ट भारत को मिला है वो वाकई अभूतपूर्व है। इसलिए मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारी पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जो खेलेगा वही खेलेगा। अब खेलने और खेलने की जिम्मेदारी आपकी है।
भारत अमेरिका की सरकारों ने आपके लिए ग्राउंड वर्क कर दिया है, खेत जोतने का काम हमने कर दिया है। इसमें जो जरूरी होगा वो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब इस ग्राउंड पर खुलकर खेलने और खिलने की जिम्मेदारी आपकी है। और जो खेलेगा वो ही खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों ने हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हम इस संकल्प को पूरा करके ही दम लेंगे। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बिजनेस मीटिंग की। इस दौरान वो कई कंपनियों के सीईओ और उद्योगपतियों से मिले। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में निवेश और कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हुई। और टॉप कंपनियों के सीईओ के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान में कारोबार की अपार संभावनाएं हैं। भारत का युवा विशेष करके टैलेंट के कारण आज विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, तो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का ये मिलन मैं समझता हूं कि अपने आप में एक उज्ज्वल भविष्य के लिए गारंटी लेकर के आया है। ये सुबह कुछ ही मित्रों के बीच की है, लेकिन ये सुबह उज्ज्वल भविष्य की गारंटी लेकर के आई है। बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर दिया। टॉप कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हुई बैठक का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी कंपनी गूगल ने बड़ा ऐलान कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन के निवेश करने की बात कही। साथ ही गुजरात की गिफ्ट सिटी में फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने का ऐलान भी किया। It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the US, and we continued our conversation and we shared Google is investing $10 billion in the India Digitization Fund. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेज़न के सीईओ एंड्रयू जेसी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमेज़न ने भारत में $15 बिलियन और निवेश करने का ऐलान किया। इससे पहले अमेज़न ने पहले से ही भारत में $11 बिलियन का निवेश कर रखा है। Amazon is one of the biggest investors in India and the world. We've already invested $11 billion to date with an intention to invest another $15 billion. अमेरिकी दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में तकनीक के क्षेत्र में कई बड़े समझौते हुए। इन्हीं समझौतों में से एक है रक्षा में तकनीक को साझा करना। समझौते के मुताबिक अमेरिका भारत को GEF-414 टेक्नोलॉजी देगा। फाइटर जेट बनाने की इस तकनीक के आने से भारत का डिफेंस सिस्टम कई गुना मजबूत हो जाएगा। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास फाइटर जेट बनाने की तकनीक है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस के बाद अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ जाएगा, क्योंकि अब अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को GEF-414 इंजन टेक्नोलॉजी देगी। GEF-414 तकनीक से बने फाइटर जेट इंजन का भारत अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल फाइटर जेट के लिए करीब पिछले 30 साल से हो रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में GEF-414 टेक्नोलॉजी से बने इंजनों का फाइटर जेट पर उपयोग किया जा रहा है। GEF-414 टेक्नोलॉजी से बने इंजन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे बने इंजन अभी तक 50 लाख से अधिक घंटे की उड़ान भर चुके हैं। इन इंजन को बनाने वाली कंपनी ने अब तक 1600 से अधिक इंजन बनाए हैं। सैटेलाइट लॉन्च की कोशिशों के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे से बौखलाए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया की स्थानीय मीडिया ने एक लेटर जारी कर अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। रूस से जारी तनाव के बीच नेटो देश पोलैंड ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है।
इसी सिलसिले में पोलैंड ने अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर सकेगा। चीन में भीषण गर्मी ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी बीजिंग में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचने के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। 9 सालों में यह पहली बार है जब प्रशासन ने बीजिंग में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। हांगकांग में करीब 4 साल के अंतराल के बाद ड्रैगन बोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के चलते बोट फेस्टिवल को हर साल रद्द किया जा रहा था, लेकिन इस बार पर्यटन को फिर बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। असम में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। राज्य के 20 जिले के करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और प्रशासन ने राहत बचाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफनाए तो हाहाकार मच गया। बजाली इलाके में कई घर बह गए तो सड़कें कटने से पूरा इलाका टापू में बदल गया। ब्रह्मपुत्र, पुथिमारी और पगलाडिया नदियां खतरे के निशान को पार कर डर और खतरे को और बढ़ाती दिखी। एक बांध टूटने के बाद कई लोगों को तो इतना वक्त भी नहीं मिला कि जरूरी सामान लेकर घर छोड़ पाए। आदमी लोग तो निकल के गया, लेकिन कुछ सामान निकलने नहीं पाया, कम से कम 4-5 घरों का। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को राहत बचाव शिविरों में पहुंचा दिया गया, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। यकीन नहीं हो तो कोकराझार की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें लकड़ी का पुल तिनके की तरह बह गया। ऐसे हालात में असम का बड़ा हिस्सा तालाब में बदल गया और लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाते दिखे। और तो और, जिन अस्पतालों में लोग इलाज के लिए जाते हैं वो भी पानी में डूबा नजर आया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक हत्याकांड से पूरा इलाका दहल उठा। यहां परिवार के ही एक सदस्य ने 5 लोगों की हत्या कर खुद को गोली मार ली। बताया गया कि हमलावर अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने आया था और एक दिन पहले दूल्हा दुल्हन घर आए थे और जश्न के माहौल में अचानक दूल्हे के बड़े भाई शिववीर यादव का दिमाग कुछ इस तरह फिरा कि उसने धारदार फरसे से भाई सोनू, भुल्लन, बहनोई सौरभ, भाई की पत्नी सोनी और अपने दोस्त दीपक की निर्मम हत्या कर दी। कुछ ही देर में जश्न वाली जगह पर 5 लाशें नजर आने लगी। ये सुबह 2 बजे आके शिववीर ने फरसा कहीं से लेके आया, फरसे से सबको काट डाला। इन 5 लोगों के अलावा हमलावर शिववीर ने अपनी पत्नी और मामी पर भी हमला किया। बुरी तरह घायल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद शिववीर ने तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वारदात की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू हो गई। पुलिस को पारिवारिक कलह का शक है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई इस विषय में भी अभी जांच जारी है। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ, जिसमें फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज शामिल हुए। वायुसेना की इस ताकत को देखने के लिए आसपास के इलाकों से भारी तादाद में लोग पहुंचे थे, जिन्हें एक्सप्रेसवे से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही रोक दिया गया था। बताया गया कि अरवल कीरी करवत में 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर इन फाइटर प्लेन ने टच एंड गो का अभ्यास किया, जिसका मतलब ये कि विमानों ने पूरी तरह से लैंड नहीं किया बल्कि रनवे को छूकर उड़ान भर गए। इस दौरान विमान की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। वायुसेना का जो विमान है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपको चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। सैन्य शक्ति का अनूठा प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना का ये विमान और इसकी गर्जना उन दुश्मनों के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी है। इस शो से पहले एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से साफ किया गया और फिर एयरफोर्स के अधिकारियों ने उसकी जांच भी की, जिसके बाद इस एयर शो को शुरू किया गया। इस एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया पहले ही सील कर दिया गया था। Z News.